हमारे सर डामर आयुर्वेद हेल्थ केयर, आयुर्वेद वाला कंपनी है। हाँ, आपका क्या नाम है? क्या आपका क्या नाम है? मेरा मिथुन कुमार नाम है सर। अच्छा, मतलब आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार से ही बोल रहा हूँ सर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार का रहने वाला है, तो बिहार का कौन से जगह? ये पटना जिला, जानते हैं ना सर, यहीं पर कंपनी है। अच्छा, पटना जिला में? हाँ हाँ हाँ। तो पटना जिला में कंपनी है, तो उसी से बोल रहे हैं? हाँ सर, हाँ हाँ। तो मतलब आप जॉब के लिए ऑफर कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो आपके पास जाने के लिए, अच्छा, आपके पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सर आप आइएगा तो सर फाइल मेंटेनेंस काम आपको मिलेगी सर, पर मैं पास है ना इसलिए सर। फाइल मैनेजमेंट का काम मिलेगा? हाँ, ऑफिस में सर। अच्छा, तो मेरा तो क्वालिफिकेशन अच्छा है, 10-12 पास है। हाँ सर, वही तो बोल रहा हूँ सर, फाइल मेंटेनेंस काम करना पड़ेगा सर, नहीं लिखा पर कीजिएगा सर यहाँ पर। अच्छा, सिर्फ दवा का कॉन्ट्रैक्ट में खर्चा करना पड़ेगा आपको सर, लिखा पड़ेगा, ठीक है ना? कितना खर्चा करना पड़ेगा क्या सर? कितना खर्चा करना पड़ेगा कहाँ पर सर? बोरे कुछ पैसा वैसा लगेगा क्या? हाँ कुछ लगता है सर, खाने पीने के लिए लगता है थोड़ा बहुत सर, उसमें आपका एग्रीमेंट बन जाएगा सर 5 साल तक। 5 साल तक एग्रीमेंट बन जाएगा, तो एग्रीमेंट में क्या सब रहेगा? इसमें सर आपका नॉमिनल फैसिलिटी मिलेगी सर 5 लाख का है। अच्छा, नॉमिनल फैसिलिटी समझते हैं ना सर? नहीं समझते, थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे देखिए सर, नॉमिनल फैसिलिटी होता है सर, पुराना खर्चा आपको कुछ हो जाता है सर, तो जिसका भी नॉमिनल में नाम डालिएगा सर, मम्मी पापा हो गया, सिस्टर भाई बहन हो गया, जिसका भी सर, उसको सर 5 लाख रुपया मिलेगी, ठीक है ना? और सर 70% सैलरी जाते रहेगा। तो मतलब ये नॉमिनी फैसिलिटी किसको मिलेगा, हमको मिलेगा कि दूसरे को मिलेगा? नहीं, आपको आपका घर वाले को मिलेगा सर। तो हम शादीशुदा है नहीं, तो मेरा फैसिलिटी ना। तो बोल रहे सर, मैं तो शादीशुदा नहीं है क्या? तो हम तो शादीशुदा नहीं है, तो किसको मिलेगा? देखिए सर, वो मैं नहीं बोल रहा, आप समझे नहीं है। तो थोड़ा समझाइए ना सर, मतलब हम गलती से देखिए सर, इंसान आजकल गारंटी नहीं सर, कब भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, इसलिए सर यहाँ कंपनी को ज्वाइन लीजिएगा सर। अच्छा, यदि गलती से रोड हादसा हो जाता है या कुछ हो जाता है सर कंपनी में, तो कंपनी में काम करते दौरान आपको हो जाता है तो। अच्छा, इसके लिए सर आपका किसी को 5 लाख रुपया का उसी बनेगा, ठीक है ना? 5 लाख रुपया मिलेगा तो सर बोलो। हाँ। अच्छा, मेरा नंबर कहाँ से आपको मिल गया ऐसे ही, मतलब आपको तो मैं जानते भी नहीं है। ठीक है सर, हमारी वीडियो में नंबर था आपका सर, लिस्ट में आता। अच्छा, आपका वीडियो में नंबर था? हाँ। नहीं नहीं, वो वीडियो आपका वीडियो में तो आपका नंबर होगा, तो मेरा नंबर कैसे मिल गया? नहीं, नंबर आपने कमेंट किए थे सर। ओ अच्छा अच्छा, नंबर कमेंट किए थे। हाँ। तो सर ऐसे तो हम मतलब काम से थोड़ा परेशान है, बहुत दिन से काम नहीं मिल रहा था, डिग्री उग्री बहुत सारा है, तो फिर डिग्री के लिए क्या करें अगर काम ही नहीं मिलेगा? नहीं तो डिग्री का कोई काम ही का नहीं, जब डिग्री का वो ऐसा पे वो नहीं मिल रहा तो बहुत दिक्कत वाली बात है सर। हाँ हाँ, तो सर और वहाँ पे कैसे हम कैसे आएंगे? 12 साल बर्बाद ही कर दिए हैं। बिल्कुल, तो हम सर कैसे आएंगे? तो आने के लिए तो कुछ जरिया होना चाहिए सर। आपको दिवाली के बाद सर आपको आ जाना है। दिवाली के बाद आ जाएंगे? नहीं सर, ने कागज पत्र के लिए सर, रूम रेंट और खाना पीना के लिए सर कागज पत्र बनती है सर, 7000 रुपया खर्च हो गए पहले, ठीक है ना? रूट में जो 5 लाख क्या बोलते हैं, 5 साल तक सर आपका एग्रीमेंट बन जाएगा सर, कुछ पैसा लगेगा नहीं कंपनी में। अच्छा हाँ, 7000 रुपया खर्च होगा। नहीं सर, आपको 2 तारीख को वहाँ से निकल जाना है सर, ठीक है? 2 तारीख को निकल जाएंगे। हाँ, तो सर बोल रहे, देखिए सर आपको तो नहीं पहचानते हैं, तो अगर मान लीजिए मेरा जो पैसा लगेगा अगर कुछ गलत हो गया तो मेरे साथ, तो इसीलिए इस व्हाट्सएप नंबर में आपका आईडी आधार कार्ड वोटर कार्ड भेज दीजिए। हाँ हाँ, मैं सर आपको लोकेशन वगैरह यहाँ से भेज दूंगा। तो सर अगर आपके पास हम पैसा लेके जाएंगे तो कैसे पता चलेगा मेरा पैसा सेव रहेगा या हम सेव रहेंगे? तो आप आधार कार्ड भेज दीजिए, हम अपना आधार कार्ड आपको भेज देंगे। अभी अपना आधार कार्ड भेज दीजिए मेरे को, तब ना पता चलेगा हाँ इस लोकेशन पे जाएंगे, आपका प्रूफ रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, तो भेज दीजिए अभी। ठीक है सर,
दो तारीख को आपको निकल जाना है सर, ठीक है ना? आप यहाँ का लोकेशन पूरा सर, आप नहीं भेजेंगे तो हम कैसे निकलेंगे? अभी आप भेज दीजिए। देखिए सर, लोकेशन तो मेन चीज हुआ ना हो। अरे सर जी, लोकेशन तो आप भेज देंगे मानते हैं, लेकिन हमको तो पता नहीं ना कहाँ पे आना है क्या है। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा काल दिन, तो इसीलिए पुलिस स्टेशन में हम वहाँ पे बता के जाएंगे ना, हम जा रहे दूसरे जगह में काम करने के लिए, क्योंकि आपको तो जानते नहीं पहचानते नहीं। हाँ। समझ रहे बात को? तो सर हम बोल रहे हैं, आप कितना दिन से वहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, मेरा यहाँ पर कंपनी में हो गया सर 3 साल हो गया। 3 साल हो गया, तो आपका क्या सैलरी है सर? सैलरी मेरी है 35,000 सर। कितना हजार? 35,000। 35,000, तो क्या करते हैं सर आप? अरे मैं ऑफिस में ही रहता हूँ सर, मेरा ही काम ही है। तो मतलब ऑफिस में तो कुछ काम होगा, झाड़ू पोछा होगा, लेकिन लिखाई पढ़े वाले काम है, क्या काम है आपका? मैनेजमेंट करने वाला काम? अच्छा, बात करने का काम है, मतलब कस्टमर केयर में काम करते हैं। हाँ। तो आपको सिर्फ बात करने का ही पैसा मिलता है? जी सर। तो सर हमको भी इसमें लगा दीजिए ना, तो उतना हमको तो पढ़ाई लिखाई है, बहुत पुराना मतलब बहुत पहले हम पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो उतना हमको आता नहीं है। तो वैसे वैकेंसी नहीं निकला हुआ है ना, तो सर हम कैसे काम कर पाएंगे? आप 35,000 बात करके कमा ले रहे, हमको भी थोड़ा ऐसे मौका दीजिए ना। नहीं सर, इसके लिए सर ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा ना सर। तो उसका कितना दिन का ट्रेनिंग होता है सर? सर ज़्यादा दिन नहीं सर, 25 दिन का ट्रेनिंग होगा। तो 25 दिन में मतलब बातचीत करना सीख जाएंगे? तो सर कब बातचीत करने का वैकेंसी निकलेगा? होगा भी नहीं सर इसका, क्योंकि इसमें सर आपने फूल है। हाँ सर। अरे इसमें होगा भी नहीं सर, क्योंकि सर इसमें आदमी फूल हो गया है। तो आपके वहाँ पे बातचीत करने में कितना लोग है? मैं हूँ यहाँ पर कम से कम 6 लोग हूँ। 6 लोग है। हाँ। तो एक लोग को ट्रांसफर करवा दीजिए ना सर। तो सर आप मतलब किस पोस्ट में है? कोई मैनेजर उनजर नहीं है क्या? नहीं, कोई मैनेजर नहीं है सर, सिर्फ मैं ऑफिस का, मैं मान लो सर वर्कर हूँ एक तरफ से मानो। तो सर आपका इतना अच्छा खासा सैलरी है, 35,000 है, 35,000 बहुत मायने रखता है सर, हम लोग गरीब आदमी है ना। वो बात सही है सर, मायने रखता है, लेकिन यही मेरा उसी है ना सर, काम यही मेरा है, समझ रहे? मायने से मेरे ब्लॉक कोई बात ही नहीं। तो सर वैसे काम में लगा दीजिए ना सर, हो सके आपको 30-35 से 40,000 तक, 50,000 तक हम देने के लिए तैयार है, जुगाड़ कर काम। जमीन वगैरह है ना, बेच के हम सर, जमीन वगैरह सर हम बेच के सर पैसा दे देंगे आपको। आप बात करने वाला उसमें पोस्ट में लगा दीजिए ना। नहीं सर, आप नहीं कर पाइएगा ना। क्यों सर, ऐसे तो हम अच्छे से बात कर रहे हैं, और कैसे बात करना है, आप भी तो मेरे तरह ही बात कर रहे हैं। सर देखिए, पैसा उससे लेके जाएंगे ना मेरा सर, आप ही बताइए मेरा, मेरे को कैसे पता चलेगा मेरा जॉब या काम कंफर्म हो गया बातचीत करने वाला पोस्ट में? ठीक है सर, यहाँ पर आइएगा सर, पहले फाइल मेंटेन कीजिएगा सर, उसके रहते रहते सर आपका चेकिंग इधर कर देंगे। तो सर उसमें क्या चीज़ का फाइल मैनेजमेंट करना पड़ेगा?